ब्रेकअप्स आसान नहीं होते हैं। ऑलमोस्ट हर एक व्यक्ति का कभी ना कभी ब्रेकअप होता है, कई लोगों का बार बार ब्रेकअप होता है, और ब्रेकअप होने के बाद आपके मन में कई तरह के सवाल आते हैं, कैसे मैं अपनी लोनलीनेस दूर करूं, कैसे मैं पास्ट मेमोरीज को भूल जाऊं और कैसे मैं मूव ऑन करूं। तो आज इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब सवालों के जवाब देंगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं कुछ सवाल जो अक्सर लोग ब्रेकअप के बाद हमसे पूछते हैं। सर, मैं ब्रेकअप के बाद बहुत लोनली फील कर रहा हूँ, मैं अपनी फीलिंग्स किसके साथ शेयर करूँ? ब्रेकअप होने के बाद थोड़े समय के लिए लोनली फील करना एकदम नॉर्मल है। अगर आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं मतलब कर नहीं पा रहे हैं, आपको एम्बैरेसमेंट हो रहा है, आपके साथ कोई है नहीं जिसको आप समझा सके, तो आप अपनी फीलिंग्स को लिख सकते हैं अपनी डायरी में या अपनी जर्नल में। ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड है अपने आपको ब्रेकअप से बाहर निकालने के लिए, मूव ऑन करने के लिए। स्पेशली आपके जो पास्ट रिलेशनशिप है उसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उसको आप लिख सकते हैं। हर एक इंसान चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो उससे आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, वो आप अगर लिखेंगे, अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं वो लिखेंगे, तो आप ईजिली जो है अपने अकेलेपन को दूर कर पाएंगे। मुझे मेरे एक्स से बदला लेने का मन कर रहा है, मैं क्या करूँ? देखिए, ब्रेकअप के बाद हर्ट फील करना एकदम नॉर्मल है, बट इस फीलिंग को कम करने के लिए रिवेंज लेना सोल्यूशन नहीं है। रिवेंज लेने से, किसी तरह से अपने एक्स को नुकसान पहुंचाने से आप दोनों को लॉन्ग टर्म में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो इसलिए इस विचार को बिल्कुल ही दूर रखें। सर, क्या मुझे ब्रेकअप के बाद अपनी एक्स के साथ कॉन्टैक्ट में रहना चाहिए? नॉर्मली हम आपको ये रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप अपने एक्स से ब्रेकअप के बाद टच में रहें, क्योंकि इससे आप जो है मूव ऑन करने में थोड़ा समय लग जाता है, आपका हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता है। ब्रेकअप के बाद अब मैं किसी पे भी भरोसा नहीं कर पा रही हूँ, मैं क्या करूँ सर? आपके लिए समझना ज़रूरी है कि हर एक इंसान अलग अलग होता है, हर एक रिलेशनशिप अलग अलग होती है। अगर आपको एक रिलेशनशिप में फेलियर हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे वाली रिलेशनशिप भी फेल हो। मेरे हिसाब से आपको एक रिलेशनशिप में फेल होना काफ़ी ज़रूरी है, तभी आपको ये समझ में आता है कि आगे जाके किस तरह के इंसान के साथ आपको जीवन बिताना है। तो अगर आप किसी गलत इंसान के साथ रिलेशनशिप में रहे हैं और उसका ब्रेकअप हुआ है, तो वो अच्छी बात है, क्योंकि आगे आपको समझ में आएगा कि कैसे इंसान के साथ आपको जीवन बिताना है। सर, मैं अपनी एक्स को नहीं बुला पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ? देखिए, टाइम इज़ द बेस्ट हीलर। टाइम के साथ, समय के साथ आप धीरे धीरे उनको भूल जाएंगे। अगर आप फिर भी अपने एक्स को नहीं भूल पा रहे हैं, तो जिन चीज़ों में आपको मज़ा आता है, जैसे कि ड्राइंग हो गया, पेंटिंग हो गया, या म्यूज़िक हो गया, कुछ लोग पियानो बजाते हैं, वो सब चीज़ें आप अपने खाली समय में कर सकते हैं। इससे आपको जो अपने एक्स से रिलेटेड मेमोरीज हैं वो नहीं आएंगी और भूलने में थोड़ा आसान है। ब्रेकअप के बाद आप थोड़ा सैड फील कर सकते हैं और ये काफ़ी हद तक नॉर्मल है। इसके साथ साथ आपको नींद नहीं आना, रोने जैसा महसूस होना, या किसी भी काम में मन नहीं लगना, इस तरह के प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये कुछ समय बाद अपने आप ठीक हो जाती हैं, मगर अगर ये ठीक नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये नॉर्मल सैडनेस नहीं है, ये कुछ ज़्यादा बन चुका है। कुछ लोगों को ब्रेकअप के बाद डिप्रेशन भी हो सकता है। डिप्रेशन में किसी व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा उदास महसूस होता है, उसको किसी भी काम में मन नहीं लगता है, उसके एनर्जी लेवल्स बहुत लो हो जाते हैं, उसको गिल्टी महसूस होता है, वर्थलेस महसूस होता है, उसकी भूख या तो बढ़ सकती है या कम हो सकती है, उसकी नींद या तो ज़्यादा हो सकती है या कम हो सकती है, उसको ऐसा लग सकता है कि आने वाला समय बहुत ही ज़्यादा ख़राब होगा, उसको काम करने में कॉन्सेंट्रेशन की दिक्कत हो सकती है, या फिर सुसाइड करने के थॉट्स आ सकते हैं। इनमें से कोई भी 5 लक्षण अगर किसी व्यक्ति को लगातार 2 हफ्ते तक होते हैं, तभी हम उसको डिप्रेशन की समस्या बोलते हैं। कुछ लोगों को इन सारे डिप्रेशन के लक्षण के अलावा कुछ शारीरिक परेशानियां भी हो सकती हैं। उनको ऐसा लग सकता है कि किसी शारीरिक बीमारी के लक्षण हैं, मगर ये सब डिप्रेशन की वजह से हो सकते हैं। इनमें से कुछ लक्षण हैं जैसे कि शरीर में कोई दर्द होना, बदन में दर्द होना, कमज़ोरी महसूस होना, सरदर्द होना, चक्कर आना, या पेट में कोई परेशानी होना, ये सब डिप्रेशन के भी लक्षण हो सकते हैं। अगर आपको ये समस्याएं कुछ समय से बनी हुई हैं और आप इसका इलाज ले रहे हैं मगर कुछ फ़र्क नहीं आ रहा है, तो आपको हेल्प लेना ज़रूरी है। अगर आप हेल्प नहीं लेते हैं तो आपकी डिप्रेशन की समस्या और बढ़ सकती है। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि आप डिप्रेशन के लक्षणों को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें।
आपको अपने डिप्रेशन के लिए एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर यानी साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। आपका साइकेट्रिस्ट आपको कोई भी ट्रीटमेंट ऑप्शन एडवाइस कर सकता है, ये काउंसलिंग हो सकता है या फिर कुछ दवाइयाँ या मेडिकेशंस हो सकती हैं। इसमें यूजुअली आपको कुछ एक्टिविटीज़ दी जाती हैं, कुछ होमवर्क दिया जाता है और ये नॉर्मल काउंसलिंग एडवाइस की तरह नहीं होती है जो कि फ्रेंड्स आपको देते हैं। इन एक्टिविटीज़ से आपको पॉजिटिव सोचना सिखाया जाता है। कभी कभी आपके साइकेट्रिस्ट आपको कुछ दवाइयाँ यानी कि एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। कुछ कॉमन एंटी डिप्रेसेंट्स जो कि यूज़ होते हैं वो है सर्ट्रालिन, फ्लुवोक्सेटिन, फ्लुवोक्सामिन, पेरोक्सेटिन, एस्टिलोप्राम, वेल्लाफेक्सिन, मेटाजपीन। ये दवाइयाँ आपके डॉक्टर आपकी परेशानी को समझ के उसके अनुसार प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसको प्लीज़ आप खुद ना ले और जो जिस डोज में आपको आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करा है उसी डोज में आपको इसे कंटिन्यू करना है। ठीक है, ब्रेकअप्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये नॉर्मल है। अगर आपकी एक रिलेशनशिप फेल हुई है इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी सारी रिलेशनशिप्स फेल होंगी। आपको ये समझना ज़रूरी है कि अगर कुछ होना होगा तो उसमें आपका एफर्ट नहीं लगेगा, वो अपने आप हो जाएगा, और अगर कुछ नहीं होना होगा तो आप उसमें कितना भी एफर्ट लगाएंगे फिर भी वो नहीं होगा। एंड गुड थिंग्स विल ऑलवेज टेक टाइम, गुड रिलेशनशिप्स ऑलवेज टेक टाइम टू बिल्ड। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हमें दूसरे वीडियोस के लिए सजेशन भी दे सकते हैं।